आज से अलग आर्गुमेंट्स क्या हुए, क्योंकि कल भी पूरा लगभग 2 बजे के बाद से लगातार आर्गुमेंट्स होते रहे डिफेंस के द्वारा भी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा भी, और क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? आज कोर्ट में एएसजी सर ने आर्गुमेंट शुरू किया, उनका जो कल जहाँ पे रुका था वहाँ से उन्होंने आर्गुमेंट शुरू किया और उसके बाद बहुत से जजमेंट्स दिए, बहुत से साइटेशंस दिए, जिसके ऊपर एएसजी सर ने कोर्ट को ऐसा कन्विंस करने की कोशिश की है कि ये सारे जो अक्यूज है वो एक कॉन्स्पिरेसी के रिलेटेड है। तो ये कॉन्स्पिरेसी प्रूव करने के लिए और इन सब का कैसे कनेक्शन है ये प्रूव करने के लिए सारे जजमेंट्स दिए गए थे। हाँ बोलिए। उसके ऊपर फिर अमित देसाई सर ने रीबटल में उनके सारे जो पॉइंट्स थे उनको काउंटर करते हुए बहुत सारे जजमेंट साइट किए, जिसमें ऐसा देखा जा रहा है कि प्राइमा फेसी अगर कोई एविडेंस नहीं है कॉन्स्पिरेसी का, तो वो ये स्टेज पे प्राइमा फेसी एविडेंस करके सही गिना जाएगा और उसके लिए बेल में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। बेल में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन जो आर्गुमेंट्स के दौरान जो इम्पोर्टेंट सवाल आया था और कुछ पॉइंट मुद्दा उठा था, वो था इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग का, जिसको लेकर एएसजी काफ़ी मैसेज दे रहे थे, काफ़ी कुछ बोल रहे थे, उसको किस तरह आप लोगों ने टैकल किया और क्या दलीलें थी? जी, उसके लिए यही था कि हमारा पहले दिन से यही कहना है कि ये जो आर्यन और अरबाज से जो रिकवरी है, एलएच रिकवरी जो बोल रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट रिकवरी है, उसका और बाकी लोगों का कोई भी संबंध नहीं है। बस यही पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए अमित देसाई सर ने आज जो आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, जो दलीलें पेश किए गई है, जो साइटेशंस दिए गए हैं, उससे ये सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि अगर तुम्हारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो उसको बेल देनी चाहिए। नहीं, एसी ने जो व्हाट्सअप चैट्स हैं उसको भी स्पेसिफिकली कहा है कि उसमें जिस तरह की बातचीत कही है और वहीं से कहीं ना कहीं कनेक्शन जो निकल के आ रहा है, उसके डिफेंस में क्या तर्क दिया गया? व्हाट्सएप चैट्स में इतना ही कहना है कि उनके पास से तो पहले जो हमारे पास से जो फ़ोन लिए गए हैं, ऐसा उनका कहना है, उसके लिए उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्री या कंटेम्पोरेनियस रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया नहीं है, जो कायदे में ऐसा लिखा है कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट सीज करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने वैसा डॉक्यूमेंट बनाया नहीं है। और दूसरी बात, जैसे पॉइंट आउट किया है कोर्ट में कि जो लैंग्वेज जो यूज़ की है वो ऑर्थोडॉक्स इंग्लिश वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको थोड़ी सी वो लैंग्वेज ऑफेंसिव लगेगी, लेकिन उसका और ड्रग्स से रिलेटेड कोई भी कंसर्न। अगली